हेलो भाई साहब, जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो आईपीएल है वो शुरू होने वाला है कल से, यानी कि 2023 का आईपीएल है कल से शुरू होने वाला है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कंप्लीट एक टीम कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से आप अपने ड्रीम इलेवन में या फिर माई इलेवन सर्कल में पैसे ऐड कर सकते हैं और टीम अच्छी बना सकते हैं। पूरा प्रोसेस बताऊंगा आपको कि एक अच्छी टीम कैसे बना सकते हैं, सब कुछ जानने के बाद कि कौन से प्लेयर की कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है, उस सारी परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपनी टीम बनाएं। तो मैं शुरू करता हूं बिना टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहले आप जिस भी ऐप में आपने बैट लगाना है या टीम बनानी है उसको ओपन कर लीजिए। सो मैं ओपन कर लेता हूँ, ये 11 सर्कल ऐप है। तो सिंपली सबसे पहले मैं पैसे ऐड कर लेता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे एक वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा आपको सामने ऊपर, तो सिंपली मैं वॉलेट पे क्लिक कर लेता हूँ। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 25 रुपीज बैलेंस है। सो इसको हम ऐड कैश पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड कैश दिख रहा होगा आपको, इसको क्लिक कर लेते हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जितने पैसे ऐड करने कर सकते हैं, जैसे 180 जितना आपको हिसाब से जितना कर सकते हैं उतना करें इसमें, लेकिन मिनिमम दिया है 25, तो 25 से आप ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं 100 अमाउंट डाल लेता हूँ और यहाँ पे अप्लाई कूपन भी दिया हुआ था एक, मैंने तो अप्लाई कूपन भी अप्लाई कर दिया हुआ है। देखते हैं क्या मिलता है, 50 इसमें लिखा है 50 बोनस मिलेगा रुपीज़, देखते हैं कितना मिलता है। और नेक्स्ट पे हम क्लिक कर लेते हैं, नीचे नेक्स्ट है, देख सकते हैं नेक्स्ट बटन है नीचे, उसको हम क्लिक कर लेते हैं। और अब इसमें पेमेंट ऑप्शन बोला जा रहा है कि कौन से पेमेंट से आपने पैसा पे करना है, तो सिंपली मैं फोन पे सेलेक्ट कर लेता हूँ या फिर गूगल पे, तो गूगल पे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें हम अपना पेमेंट कर देते हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो गया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे आ गया हुआ है, यहाँ पे लिखा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, 100 रुपीज बोनस, 50 लिखा, देखिए इसका मतलब क्या है। यहाँ पे डन का ऑप्शन है, सिंपली डन कर देते हैं हम, यानी कि हमारा जो पैसा है वो ऐड हो गया हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 125 रुपीज़ हो गए हैं मेरे, तो देख सकते हैं यहाँ पे 25 रुपीज़ हो गए मेरे वॉलेट में। तो आपको मैं पहले बता दूं कि हम जितने वीडियोस बनाते हैं बिल्कुल रियल होते हैं, लाइव बनाते हैं, बिल्कुल फेक वीडियोस नहीं बनाते हैं। तो आप हमारे वीडियो पे जरूर ट्रस्ट करें। सिंपली अब हमने देख सकते हैं यहाँ पे गुजरात और चेन्नई का कल मैच है, तो सिंपली इसी पे क्लिक करेंगे हम अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए। सो मैं क्लिक कर लेता हूं, तो देख सकते हैं यहाँ पे आगे ऑप्शन, यहाँ पे 49 रुपीज़ एंट्रीज है और इसमें लिखा हुआ है जो फर्स्ट प्राइज़ आएगा उसको 50 कितना दिया, यहाँ पे 1 करोड़ फर्स्ट प्राइज़ है। सेकंड प्राइज़ भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अमाउंट दिया है, फर्स्ट प्राइज़ 1 करोड़ एंड सेकंड प्राइज़ भी यहाँ पे 1 करोड़ ही दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। सो हम इस वाले कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे ज्वाइन का छोटा सा ग्रीन कलर का जो बना आइकन उसको क्लिक करेंगे। सो क्लिक कर लेते हैं, तो क्लिक कर लेते हैं। जब हम टीम बनाएंगे तो आपको टीम बना के पहले रख लेनी है, उसके बाद क्या नाम है, जब आपकी टीम मैच का टॉस हो जाए, स्टार्टिंग होने वाले हो मैच 5 मिनट 10 मिनट पहले, आप वापस इस टीम पे आएंगे और अपनी टीम को एडिट कर लेंगे। फिलहाल हम बना के रजिस्टर कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप चाहो तो टीम का जो परफॉर्मेंस है चेक कर सकते हैं, यहाँ पे दिया है बैट्समैन, ऑलराउंडर और बॉलर, तो हम बैट्समैन पे क्लिक करेंगे, जितने बैट्समैन होंगे सब आ जाएंगे। तो अगर इनकी परफॉर्मेंस चेक करनी है, तो आपको अगर आपको टीम की डिटेल चेक करनी है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो सिंपली आपको देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा जो एरो बना रहता है गोल सा, उसको क्लिक करेंगे। सो नीचे क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसका पूरी डेटा आ जाएगा कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो सिंपली मैं बता देता हूँ आपको इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसकी पूरी हिस्ट्री खुल के आ जाएगी प्लेयर की। और व्यू पे क्लिक करेंगे आप तो इसकी पूरी हिस्ट्री आ जाएगी कि इनकी क्या परफॉर्मेंस है, इन्होंने रन अभी तक बनाए हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे T20 में इनके स्कोर है 457, विकेट भी काफ़ी अच्छा इन्होंने लिया, इकोनॉमिक रेट भी काफ़ी अच्छा है इनका। इसी तरीके से आप सारे प्लेयर का पहले आप देख लें, अच्छी तरह उसका स्टेटस चेक कर लें, उसके बाद आप यहाँ से प्लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 11 सर्कल में आप जितने मर्जी प्लेयर ले सकते हैं। एक और तरीका है आपको सही टीम बनाने का, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 76% बंदे ने इसको लिया हुआ है, इसका मतलब कोई इसमें खास बात होगी जिसके कारण इसको सबने लिया है। तो आप ज़्यादा जो परसेंट वाले होंगे प्लेयर उनको उठा लो, यानी कि सबसे ज़्यादा परसेंट वाले जो प्लेयर हैं उनको आप ले लो अपनी टीम में, क्योंकि जो जिस जिसके ज़्यादा परसेंटेज बंदों ने लिया इसका मतलब है कि उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा। इसे तो इस जैसे हार्दिक पांड्या यहाँ पे 95% बंदों ने लिया, तो इसको अपनी टीम में जरूर रखें, क्योंकि जिस जिसकी हाईएस्ट परसेंट होगी उनको जरूर रखें अपनी टीम में। तो मैं जल्दी से टीम में ले लेता हूँ अपने प्लेयर। सिंपली 11 प्लेयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा नीचे, एक सेकंड, यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। तो क्लिक करने के बाद अब बोला जाएगा यहाँ पे कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कैप्टन का 2 पॉइंट मिलेगा और जो वाइस कैप्टन है उसका 1.5 पॉइंट मिलेगा, यानी कि एक्स्ट्रा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे हार्दिक पांड्या को सबसे ज़्यादा बंदों ने बनाया है कैप्टन यहाँ पर, और जैसे देख सकते हैं 31% बंदों ने हार्दिक पांड्या को बनाया है कैप्टन। तो अगर आप परसेंट के हिसाब से बनाना चाहें तो परसेंट के हिसाब से बना लें, अदरवाइज जो आपको अच्छा लगे प्लेयर उसके हिसाब से बना लें, क्योंकि लक किसी का भी काम कर सकता है इसमें। तो मैं हार्दिक पांड्या ही बना लेता हूँ और यहाँ पे वाइस कैप्टन बेन स्टोक्स को बना लेते हैं, और दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन करने के बाद सेफ टीम पे क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं ज्वाइन का ऑप्शन आ गया, ज्वाइन कॉन्टेस्ट, सिंपली ज्वाइन कॉन्टेस्ट पे क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा जो टीम है वो ज्वाइन हो गया, देख सकते हैं अगर आपने दो टीम ज्वाइन करी होगी तो यहाँ पे दो आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे एक नंबर आ रहा है, यानी कि मेरी टीम एक ज्वाइन है। अब इसको अगर आपने एडिट करना है, जैसे इसमें कोई प्लेयर नहीं खेल रहा होता है टॉस करने के बाद पता लगता है, सिंपली एडिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्टेस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, माई कॉन्टेस्ट ऑप्शन, सिंपली इस पर क्लिक करें। सो मैं क्लिक कर लेता हूँ उसके ऊपर। सो क्लिक करने के बाद एक बार दोबारा से इस पूरे एरिया पे कहीं पे भी कर सकते हैं क्लिक, तो मैं क्लिक कर लेता हूँ। सिंपली क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक लीडर बोर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, लीडर बोर्ड यहाँ पे क्लिक करना है आपने, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो टीम है सबसे जो टॉप वाली टीम है वो आपकी होगी, सिंपली उस पर क्लिक करना है। सो मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सारे प्लेयर आगे हुए हैं। आपको करना क्या है, अगर आपको जो प्लेयर इसमें से हटाना है, यहाँ पे एक पेंसिल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा पेंसिल का, सिंपली इसको क्लिक करें। तो पेंसिल पे क्लिक कर लेते हैं और इसमें से जो भी प्लेयर आपको हटाना है उसको हटा सकते हैं, जैसे कि अब मैं जैसे बैट्समैन में से मैं हटा लेता हूँ, जैसे मैं सपोज करो ये केन विलियमसन को हटाना चाहता हूँ, तो केन विलियमसन पे क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा, उसके जगह दूसरा प्लेयर अगर आप लेना चाहते हैं तो सिंपली शुभम गिल को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो प्लस का आइकन है इसको दबा दो या फिर सिंपली इसके ऊपर टैप करोगे तो यहाँ पे टीम सेलेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरे 11 प्लेयर सेलेक्ट हो चुके हैं, पूरे 11 के 11 प्लेयर सेलेक्ट हो गए हैं। वापस सेव कर दें तो ये सेव हो जाएगा, तो ये सेव हो जाएगा, देख सकते हैं सेफ हो गया। इसी तरीके से आप एक अनलिमिटेड टीम बना सकते हैं और आपका लक हुआ तो जरूर इस बार आईपीएल में जीतेंगे। तो ऐसा तो गारंटी नहीं है कि आप ही जीतें, क्योंकि इसमें इतने सारे प्लेयर हैं, और लक की बात है कि आप जरूर जीतेंगे अगर आपका लक काम करेगा। लक के साथ साथ आपका थोड़ा सा दिमाग भी चलना चाहिए कि टीम किस तरीके से बनानी है।
तो इसी तरीके से आप हर एक टीम में ड्रीम इलेवन में भी इसी तरीके से टीम बना सकते हैं, एनालिटिक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको विड्रॉल विड्रॉल करना है तो यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, वॉलेट पे क्लिक करेंगे। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जब अगर आप विन करोगे ये विड्रॉल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, इसको करने के बाद आप विड्रॉल कर सकते हैं। इसके अलावा टीम बनाने से पहले सबसे पहले आप जो पॉइंट सिस्टम है उसको जरूर चेक कर ले। तो पॉइंट सिस्टम जैसे कि T20 में फॉर्मेट एक प्लेयर का कितने पॉइंट देता है उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मोर का ऑप्शन है, मोर पे क्लिक करेंगे और मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसमें लिखा है फैंटेसी पॉइंट सिस्टम, हर ऐप में दिया रहता है। इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बैटिंग बैटिंग का दिया हुआ ऑप्शन है, यहाँ पे बॉलिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे फील्डिंग का। तो इसके हिसाब से देख सकते हैं कि बैटिंग जो बैटिंग कर रहा है प्लेयर, अगर वो एक रन मारता है तो एक पॉइंट मिलेगा, अगर दो रन मारता है तो सॉरी एक बोनस मिल सकता है, सिक्स अगर मारेंगे तो टू पॉइंट्स मिलेगा, अगर उन्होंने 30 रन मार दिए तो आपको 4 पॉइंट मिलेंगे, अगर हाफ सेंचुरी मारा जाए तो 8 पॉइंट मिलेंगे। इसी तरीके से आप सब चेक कर सकते हैं कि इसमें बॉलिंग का क्या रहेगा, अगर एक विकेट लिया जाए तो 25 पॉइंट्स यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर एक विकेट एक प्लेयर लेगा तो 25 उसके पॉइंट मिलेंगे। तो इस हिसाब से आप चेक कर लें कि जिसके जिसके हाईएस्ट पॉइंट यानी बैट्समैन के ज़्यादा पॉइंट्स हैं या फिर उसके विकेट्स के ज़्यादा पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से अपने प्लेयर लिए। हर फैंटेसी ऐप में अलग अलग सिस्टम होता है। हमारे चैनल पर ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, एक बार जरूर चेक करें।